अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, और मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग भी की है, और इस लिहाज से मेरी वीडियो को लाइक किया और प्रमोट किया मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया आप लोगों का। इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और गाय बजाय जो भी छोटे छोटे इश्यूज़ आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि जो नए यूज़र्स हैं, अब कई एक्सपर्ट होते हैं ये वो होते हैं, तो वो फिर मेरी वीडियोस पे कमेंट्स कुछ इस तरह के कर देते हैं कि फिर मैं भी उनको जवाब नहीं देता, मैं खामोशी अख्तियार कर लेता हूँ। लेकिन ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए होती है जो नए यूज़र्स हैं, जो घरों में यूज़ कर रहे हैं प्रिंटर वगैरह, उनको प्रॉब्लम समटाइम आ जाती है, तो उनको पता नहीं होता इसका क्या करना चाहिए, तो उसके लिहाज से मेरी वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो नए यूज़र हैं। तो उसके लिहाज से अब ये एक प्रिंटर है, HP 404DN प्रिंटर है। इस प्रिंटर में इशू ये आ रहा था कि इस प्रिंटर का ये है कि है छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोगों को नहीं पता होने की वजह से वो इशू उनके लिए बहुत बड़ा बन जाता है। इसका इशू ये आ रहा है कि जब आप हम इस पे प्रिंटर पे प्रिंट देते हैं, मैं इसको एक दफ़ा ऑन कर लेता हूँ, ये नेशनलाइज होता है, तब तक मैं आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। तो इसको जब हम प्रिंट देते हैं, प्रिंट देते साथ ही दो प्रिंट देते हैं या तीन प्रिंट देते हैं, तो इसकी जैसे ही वो फर्स्ट पेज उठाता है तो ट्रे हल्की सी मूव होकर बाहर आ जाती है। इसको फिर आप प्रेस करके रखो तो आपके प्रिंट कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, अगर आप प्रेस करके नहीं रखोगे तो आपकी ट्रे हल्की सी एग्जिट हो जाती है। इस लिहाज से ये मैंने वीडियो बनाई है कि इस ट्रे का क्या इशू हो सकता है और आप इसको किस तरीके से इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं, इतना मेन कोई प्रॉब्लम या बड़ा मसला नहीं होता। उसके लिहाज से मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसका एक प्रिंट दे देता हूँ। टेस्ट पेज इसका निकालने के लिए सबसे मेन ये है यूज़र के, मैं एक मिनट आपको स्क्रीन क्लियर कर लूँ, ये रेडी पे आया हुआ है। मेन मेन्यू प्रिंट सेटअप रेफरेंस सिक्योरिटी रिपोर्ट में आप ओके का बटन प्रेस करेंगे, रिपोर्ट मेन्यू स्ट्रक्चर पे आप प्रिंटिंग का देंगे तो यह आएगा। ये देखें ट्रे बाहर आ गई है, जैसे ही हमने प्रिंट दिया तो इसकी ये ट्रे बाहर आएगी। ट्रे बाहर आने की वजह से ये देखें ऊपर इसका एरर जो आ रहा है वो भी आप देख लें, ये इसका एरर आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रे को प्रेस करके रखेंगे, ये अब मैंने प्रेस किया हुआ है। प्रेस करने के बाद जब ओके का बटन हम प्रेस करेंगे दोबारा से ये प्रिंट देगा, अब ये प्रिंटिंग होगी। अब मैंने इसको उंगली के साथ प्रेस करके रखा हुआ है, अब पेज इसने उठा भी लिया और प्रिंट दे भी दिया। अगर मैंने उंगली प्रेस करके ना रखता तो ट्रे ये एग्जिट हो जाती। तो अब हम इस फॉल्ट पे आते हैं कि ये फॉल्ट इस किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये ट्रे को एग्जिट किया, पेपर में वायर निकाल लेता हूँ। अब व्यूअर्स ये है, इस साइड पे ये देखें, इस साइड पे ये एक हुक सी लगी होती है जो इसको ऊपर होनी चाहिए, यहाँ पे नीचे स्प्रिंग होता है इसका, वो इसका स्प्रिंग नहीं है जिस वजह से ये प्रॉब्लम कर रही थी। तो मैं अपने पास देखता हूँ कोई स्प्रिंग है तो मैं वो वाला स्प्रिंग इसके साथ लगाता हूँ। ये पे स्प्रिंग इसके साथ लगा के ये मैंने स्प्रिंग इसके साथ लगा दिया। ये बेसिकली इस ट्रे का लॉक है, ठीक है, ये ट्रे को लॉक करके अंदर रखता हूँ। अब इस ट्रे को मैं वापस लगाऊँगा और ये पेज इस पे रख दूंगा। अब ये रख दिया, अब इसके बाद हम दोबारा से इसको प्रिंट देंगे। रिपोर्ट स्ट्रक्चर प्रिंटिंग हमने दी, अब ये देखें प्रिंट बिल्कुल इजीली बाहर आ गया। तो व्यूअर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो सम टाइम ये कि नॉर्मल जो यूज़र होता है जिसको प्रिंटर्स के बारे में बाकी हार्डवेयर के बारे में नहीं पता होता तो उसके लिए ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ बताइए, और दूसरा ये है कि आपकी प्रिंटर जब पेज पिक करता है, टू पेजेस पिक कर ले, थ्री पेजेस पिक कर ले, एक तो वो शुरू के ये रोलर्स होते हैं, एक ये रोलर होता है, ये वाला अगर इसका ऊपर घिस जाए या प्लेन हो जाए इस वजह से भी पेपर ज़्यादा उठाना शुरू हो जाता है।
दूसरे जो रोलर ऊपर की साइड पे लगे होते हैं वो वाले रोलर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो रोलर हैं, ये रोलर का सेट जो ऊपर वाली साइड पे लगा होता है, इन रोलर को भी चेक कर लें। अगर ये रोलर ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो चुके हैं, इनकी थिकनेस ख़त्म हो चुकी है, तो ये भी पेपर स्किप करेंगे और पेपर उठाने में प्रॉब्लम करेंगे। तो इस लिहाज से लीवर आप लोगों के साथ मेरी हफ्तरसा ये कोशिश होती है कि गाय बजाय जो भी छोटे छोटे इशू आते रहें जो मैं कर रहा होता हूँ, तो भाई मैं उस लिहाज से वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जिस वजह से ये है कि आप लोगों को खुद प्रिंटर को हैंडल करने में इजी हो सको, इजी तरीके से आप खुद इसको ओके कर सकते हैं। तो इसके लिहाज से ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और मेरे चैनल को लाइक करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह के अदर जो इशू कोई आता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट्स करें, लेकिन ये कि समटाइम ये होता है कि मैं थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ, जिस वजह से कमेंट्स का आपको आंसर नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं माजर खा हूँ। तो हतरसा मेरी कोशिश होती है जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कमेंट्स देख के उसके लिहाज से मैं इसको आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।